कक्षा 11 में अभी हम पढ़ रहे थे टैक्सोनॉमी, है ना। चैप्टर वन था डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसमें आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर में जो हमने पढ़ा था, वो सबसे पहला है बायोलॉजिकल नेम आर यूजुअली रिटेन इन लैटिन वर्ड्स, ठीक है। दूसरा था साइंटिफिक नेम को हम दो भागों में लिखेंगे, फर्स्ट वर्ड जीनस और सेकेंड रहेगा स्पीसीज का। हाँ, तो सेकंड जो रहेगा वो स्पीसीज़ का है। जैसे होमो सेपियंस में हम देखेंगे होमो जो है जीनस है और सेपियंस जो है वो मनुष्य की स्पीसीज है। थर्ड जो आप देखेंगे जीनस नेम स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, तो पहला अक्षर जो है वो जीनस का कैसा रहेगा, कैपिटल रहेगा। ठीक है, और स्पीसीज का जो रहेगा वो लेटर किससे रहेगा, स्मॉल लेटर से। अलग अलग प्रकार के एनिमल और प्लांट के हमने नाम याद रखना है। इसमें सबसे पहला है मेंजीफेरा इंडिका मैंगो, होमो सेपियंस ह्यूमन बींग्स का है, ओराइजा सेटाइवा राइस, ट्रिटिका मैस्टिवम किसका नाम है, व्हीट का, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। जीव जंतुओं को एक ग्रुप के अंदर रखना है, यदि उनके अंदर सिमिलरिटीज़ है तो वो एक ग्रुप में रहेंगे, जैसे तमाम मछलियाँ। यदि वो मैमल्स हैं तो वो सब एक ग्रुप में रहेंगे, यदि उनके करेक्टर्स मैमल्स के जैसे हैं। तो इसी तरह क्लासिफिकेशन में हमने इसको टैक्सोन नाम दिया है, एक एक ग्रुप को क्या नाम दिया है, टैक्सोन। तो टैक्सोन द साइंटिफिक टर्म फॉर एनी यूनिट यूज टू इन द साइंस फॉर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोन। किसी भी ग्रुप को क्या नाम दिया जाता है बायोलॉजी में, टैक्सोन दिया जाता है। जैसे फैमिली एक टैक्सोन है, जीनस एक टैक्सोन है। टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डिफाइनिंग ग्रुप ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्ड करेक्टरिस्टिक एंड गिविंग नेम टू दोज ग्रुप। टैक्सोनॉमी में हम क्या करते हैं, एनिमल्स को या जो ऑर्गेनिज्म है उनको आइडेंटिफाई करेंगे और उनको एक फिक्स क्लास में रखेंगे, उनका क्लासिफिकेशन करेंगे। तो टैक्सोनॉमी का मतलब ही क्लासिफिकेशन भी होता है। कैरोलस लीनियस रिगार्डेड एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। कैरोलस लीनियस को टैक्सोनॉमी का पितामह कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले ये बायोलॉजिकल नेम देने की प्रथा प्रारंभ की थी। तो प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी में चार चीज़ें हैं, सबसे पहले करेक्टराइजेशन, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन, करेक्टराइजेशन नंबर वन, नंबर टू आइडेंटिफिकेशन, टू आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म, थर्ड है क्लासिफिकेशन उसको किस करेक्टराइजेशन, दूसरा आइडेंटिफिकेशन, थर्ड क्लासिफिकेशन और फोर्थ है नोमेनक्लेचर। ओके, देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स क्या होता है, टैक्सोनॉमी में ही सिस्टम यानी कैरोलस लीनियस में जो अपनी पुस्तक थी सिस्टम एंड नेचुरी में, उसमें इस वर्ड का यूज़ किया गया था। द वर्ड सिस्टमैटिक इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टेमा मीन्स सिस्टमिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। सिस्टमिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक कहते हैं। तो सिस्टम साइंस का मतलब ही है, सिस्टमैटिक नॉलेज को ही, क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। सिस्टमैटिक नॉलेज को ही, सिस्टमिक अरेंजमेंट को ही सिस्टमैटिक्स कहा जाता है। सिस्टमैटिक इज द स्टडी ऑफ द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लिविंग फॉर्म बोथ पास्ट एंड प्रेजेंट एंड द रिलेशनशिप अमंग लिविंग थिंग्स थ्रू टाइम। समय के साथ से उनमें क्या क्या परिवर्तन हुआ है, स्पीसीज किस तरह से चेंज हो रही हैं, इन सब का स्टडी सिस्टमैटिक में
किया जाता है। अब बात करते हैं हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व हायरार्की ऑफ स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंट ए रैंक ऑफ कैटेगरी। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में हम क्या करेंगे, एक छोटी सी स्पीसीज से शुरू करते हुए फिर जीनस, फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर फाइलम, फिर किंगडम तक पहुँचेंगे। वेरियस स्टेप ऑफ द क्लासिफिकेशन हायरार्की आर कॉल्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। इनको ही टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहा जाता है। तो सबसे पहले इसमें स्पीसीज है। स्पीसीज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इन विच इंडिविजुअल कैन इंटरब्रीड अमंग देम सेल्फ। स्पीसीज तभी कहा जाएगा जब उस ग्रुप के जो सदस्य हैं वो आपस में इंटरब्रीड कर सकें, अपने जैसे बच्चों को जन्म दे सकें। जैसे स्पीसीज की बात करें तो हॉर्स एक स्पीसीज है, लॉयन एक स्पीसीज है, लेकिन लॉयन और हॉर्स आपस में मिलकर बच्चे जन्म नहीं दे सकते, तो लॉयन और हॉर्स की अलग अलग स्पीसीज मानी जाएगी। दूसरा है मेंबर ऑफ स्पीसीज हैव ए लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर, उनमें बहुत सारी समानताएं मिलना चाहिए। एग्जांपल है मैंगो, मैंजीफेरा, इंडिका, तो इंडिका स्पीसीज है। पोटैटो में ट्यूबरोसम ये स्पीसीज है, सोलेनम ट्यूबरोसम। लॉयन में पैंथेरा लियो लियो स्पीसीज है। जब बहुत सारी स्पीसीज आपस में मिल जाती है, ग्रुप ऑफ क्लोज रिलेटेड स्पीसीज, तो उसको जीनस कहते हैं। जैसे पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, ये सब मिलके क्या जीनस बनाते हैं, सोलेनम। लॉयन, लेपर्ड, टाइगर, ये सब मिलके कौन सा जीनस बनाते हैं, पैंथेरा। फैमिली की बात करें तो बहुत सारे जीनस आपस में मिलकर फैमिली बनाते हैं। तो रिलेटेड जीनस जो हैं जिसमें आप बात करेंगे, थ्री डिफरेंट जेनरा, सोलेनम, पेटूनिया और धतूरा, ये मिलके फैमिली बनाते हैं सोलेनेसी। और एनिमल में बात करेंगे जीनस पैंथेरा और फेलिस, यानी डॉग्स और कैट्स। तो डॉग का जीनस है पैंथेरा और कैट का फेलिस, ये दोनों मिलकर फेलिडी फैमिली बनाते हैं। और बहुत सारी फैमिली जब आपस में मिल जाती है तो एक ऑर्डर बनाते हैं, ग्रुप ऑफ क्लोज रिलेटेड फैमिली, एक हायर जो लेवल है, हायर टैक्सॉन है, उसको ऑर्डर कहते हैं। जैसे प्लांट फैमिली में कॉर्नवॉलेसी, सोलेनेसी, दोनों पॉलीमोनियल्स ऑर्डर में आती है। और एनिमल में फेलिडी और कैनेडी, डॉग और कैट फैमिली जो है वो कार्निवोरा यानी मांसाहारी ऑर्डर में आती है। क्लास, तो बहुत सारे ऑर्डर, सिमिलर ऑर्डर आपस में मिल जाते हैं तो उसको क्लास कहते हैं। क्लासेज ए मेजर कैटेगरी मेड ऑफ वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर। एग्जाम्पल है क्लास मेमेलिया, इसमें बहुत सारे ऑर्डर हैं, कार्निवोरा यानी मांसाहारी भी हैं, रोडेंसिया यानी इसमें चूहे और गिलहरी भी हैं, प्राइमेट यानी इसमें मंकी, ऐप और ह्यूमन बींग्स भी हैं, इंसेक्टिबोरा यानी कीड़ों को खाने वाले भी जानवर हैं। ये सब मिला के क्या बना रहे हैं, एक क्लास मेमेलिया। मेमोरी ग्लैंड, एक्सटर्नल ईयर और ईयर सब में होते हैं। इसके बाद बहुत सारी जो क्लास हैं वो मिलकर के बनाती हैं फाइलम, ग्रुप ऑफ क्लोज रिलेटेड क्लासेस कॉल्ड फाइलम। प्लांट किंगडम फाइलम हैज रिप्लेस्ड विद डिवीजन। प्लांट किंगडम में फाइलम नहीं कहते, उसको डिवीजन कहते हैं। इसके फाइलम के एग्जांपल हैं फाइलम पिसीस, फाइलम एम्फीबिया, फाइलम रेप्टिलिया, फाइलम एबिस, मेमेलिया। ये सब के सब फाइलम क्वाड्रेटा में आने वाली क्लास हैं, ठीक है। उसके बाद फाइलम आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, किंगडम। द ग्रुप ऑफ ऑल रिलेटेड फाइला इज कॉल्ड किंगडम। तो किंगडम प्लांट ही कंप्रोमाइज ऑल प्लांट्स एंड वेरियस डिवीजन। हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म को हमने कहाँ रखा है, एनिमल किंगडम में रखा है। तो सबसे छोटी स्पीसीज, फिर जीनस, उससे बड़ा फैमिली, उससे बड़ा ऑर्डर, उससे बड़ा क्लास, उससे बड़ा डिवीजन, उससे बड़ा किंगडम। इस तरह से ये आपका फर्स्ट चैप्टर का ये क्लासिफिकेशन समाप्त हुआ। थैंक यू।